हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रेफ्रेक्स इंडस्ट्रीज कंपनी की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इस कंपनी की शेयर प्राइस 637 रुपये और आज के दिन ऑलमोस्ट 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन की बात करें तो 18% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, 1 महीनों में 21% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 6 महीनों में 146% के पॉजिटिव रिटर्न, 1 साल में 450% के पॉजिटिव रिटर्न, 5 सालों में 5000% के रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 1800% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। ऑल ओवर इस कंपनी ने काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तो क्या इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो जैसा कि यहाँ कंपनी के बिजनेस एंड फंडामेंटल्स की बात करें तो ये जो कंपनी है रेफ्रिजरेटर गैस में वर्क कर रही है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एसी में यूज़ होता है उसमें ये कंपनी काम कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1418 करोड़ का है। स्टॉक का लो 111 रुपए, स्टॉक का ही 650 रुपए। पी की बात करें 12.2 है। डिविडेंड यील्ड 0 है, कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं दे रही है। आरओसी काफी स्ट्रॉन्ग है 48%, रिटर्न ऑन इक्विटी 46% है, प्रमोटर होल्डिंग 52% और डेप्ट की बात करें तो काफी कम डेप्ट वाली कंपनी है, मात्र 150 करोड़ का डेप्ट है। इसी के साथ साथ यहाँ बात करें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिला। 24 करोड़, 14 करोड़, 25 करोड़, 26 करोड़ एंड 51 करोड़, यानी कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट देखने को मिला, 32 करोड़, 33 करोड़, 41 करोड़, 45 करोड़ एंड 116 करोड़, यानी कंटिन्यूस कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, 163 करोड़, 292 करोड़। इसी के साथ साथ कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो भी काफ़ी कम हमें देखने को मिला है, बट एज पर कंपेरिजन्स यहाँ पे रिजर्व्स के बोरोइंग्स काफ़ी कम है। इसी के साथ साथ यहाँ बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 52% के स्टेक्स हैं, बाकी पब्लिक के पास 47% के स्टेक्स देखने को मिल रहे हैं, यानी ऑल ओवर इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। बीएससी पर इस स्टॉक के एनालिसिस करते हैं, तो कंपनी ने हाल में ही 2021 में 50 पैसे का डिविडेंड दिया, उससे पहले 2021 में 1 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया, 2020 में ये राइट इश्यूज लेकर आई थी। यहाँ बात करें बोनस की तो कंपनी ने यहाँ पे अभी कोई भी बोनस नहीं दिया है, बट रिटर्न्स की बात करें तो काफ़ी गजब का रिटर्न्स इस कंपनी ने दिया है। तो क्या इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए? जी दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस के साथ होल्ड रख सकते हो तो इस कंपनी को ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मोनोपोली बिजनेस वाली कंपनी है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पेशेंस काफ़ी रखना होगा, तभी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से स्टॉक पर होना चाहिए कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।